presentado? La traído. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to everybody. बहुत कम शब्दों में फिल्म के बारे में बता दूंगा. ये फिल्म कुछ सपनों के बारे में है. हम रोजमर्रा की जिंदगी में सभी लोग कुछ ऐसी जगहों पे उलझे हुए होते हैं जो हम अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाते. कोई किसी जॉब में है और उसका सपना कुछ और है. कोई किसी रिश्ते में फंसा हुआ है बट उसका सपना कुछ और है. ये फिल्म किसी तरीके से छोटे तरीके से ये कहती है कि अगर कोई सपना है तो यू शुड गो एंड लिव इट. छोटे तरीके से ये भी कहती है कि इस देश के लिए सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर जरूरी नहीं है. अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आपको गाना पसंद है, आपको डांस पसंद है, तो आई थिंक जितने पैशन से आप पैसे कमाने के लिए सोचते हैं उतने पैशन से अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे तो इट्स पॉसिबल टू रीच देम. नमस्ते. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मुन्ना माइकल, एक टाइटल जो है ना वो थोड़ा सा हटके टाइटल है. तो ये टाइटल का इसके पीछे क्या कहानी है? और दूसरा आप जिसमें किरदार निभा रहे हैं वो किरदार कैसे? जी, मैं किरदार के बारे में बता सकता हूँ आपको. और मुन्ना माइकल साबिर सर का ब्रेन चाइल्ड है तो आप उनसे पूछिए उस बार. एज फॉर मेरे किरदार जो है, एक मुंबई का लड़का है, बहुत ही नॉर्मल सा लड़का है, बहुत रिस्पेक्टफुल नोबल कैरेक्टर है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है. शुरुआत में उसका मकसद थोड़ा इज़ ए नॉर्मली गिफ्टेड टैलेंटेड डांसर पर उसका मकसद जो है बहुत बड़ा मकसद नहीं है. Along the way in his journey, how he meets people and how uska maqsad bada ho jata hai and he channelizes his talent in the right direction. Aur unko bas yehi sabit karna hai ki, you know, Michael lives forever. Aur yeah, dance is his passion. So, that's it. Ek sawal aur karke chalta hai main dusre sachche mein. Hero se hero banti, matlab pita se putra. परिंदा मेरी फेवरेट पिक्चर है पापा का. और वो जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस था जब वो नाना पाटेकर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो क्लाइमैक्स जब उनको जलाते हैं, मुझे वो सीक्वेंस बहुत बढ़िया लगा. और मैं कभी उनको कॉपी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक ही जैकी दादा है. आई कांट रियली मैच अप टू माय फादर. एज फॉर आपका पहला सवाल क्या था, मैं भूल गया. मैम सॉरी. जी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है एज अ स्टार सन, एक उम्मीद है ऑडियंसेस से, तो उसे लेकर बहुत प्रेशर था मुझ पर कि मुझे भी अपने आप को साबित करना था. और मुझे ऐसा साबित करना था कि मैं सिर्फ जैकी श्रॉफ का बेटा नहीं हूँ. मुझ में खासियत क्या है, मुझ में स्पेशलिटीज़ क्या है, जो मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी कैसे बनाऊँ, तो मेरे लिए वो चैलेंज था. शुक्र है कि साबिर सर थे, साजी नेटाड वाला जी थे, और मुझे काफ़ी समय मिला वर्कशॉप्स करने को, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे. तो मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ. और आई थिंक मैं आज ये कह सकता हूँ खुल के कि पापा बहुत अलग है और मैं बहुत अलग हूँ. हमारी पर्सनैलिटीज मिक्स, आप मिक्स नहीं कर सकते, आप कंपेयर नहीं कर सकते. आई थिंक आई एम माई ओन इंडिविजुअल एंड माई फादर्स. अभी पापा इतना बड़ा स्टार है तो मैं क्या करूँ. मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और उम्मीद है कि आगे पापा का नाम रोशन करूंगा. देखते हैं. सो वेलकम इन इंदौर. मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये मुन्ना माइकल जो आपने मूवी की है, वैसे पुरानी फिल्मों में देखा जाता है कि आपका डांस और एक्टिंग ने बहुत धमाल मचाया है. मुन्ना माइकल करने के बाद में आप माइकल जैक्सन को अपने कितने निकट पाते हैं?
एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम माइकल को, एमजे को. पर फिल्म देखी जाए तो फिल्म एक बहुत ही होलिस्टिक फिल्म है, एक फैमिली एंटरटेनर है. डांस एक मेजर थीम है और माइकल को एक गाने में एक छोटी सी ट्रिब्यूट दे रहे हैं. और मेरी जो किरदार है एक माइकल जैक्सन फैन है. नवाज सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मुन्ना माइकल चूंकि एक पूरी ड्रामा और डांस के ऊपर निर्धारित मूवी है, तो क्या हम नवाज आपको भी यहाँ पर डांस करते हुए देखना, क्या आपके दर्शक जो हैं वो डांस करते हुए देखेंगे आपको इस फिल्म में? जी हाँ. तो ये डांस पहले तो कभी आपको करते हुए नहीं देखा है, तो क्या आपको कोई किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है ये नए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि डांस करें, लेकिन ये जो बैठे ना साइड में मेरे कैरेक्टर साहब, जिन्होंने ज़बरदस्ती करवाया मेरे से और मुझे एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को टॉर्चर किया जाता है वैसे टॉर्चर किया. एंड बट ये हुआ कि क्योंकि मेरी बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेज थे डांस को लेकर और इनसिक्योरिटीज थी बहुत सारी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. बट जब शुरुआत हुई डांस की और मैं प्रिपेयर नहीं था, लेकिन साबिर भाई ने बोला कि जितने भी दिन है, दो दिन का रिहर्सल था, दो तीन दिन का, जितना भी है स्टार्ट करो. और स्टार्ट किया और धीरे 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 धीरे, चूँकि पूरी शूटिंग के दौरान मेरे को देख ही रहा था, मैं स्टेप स्टेप देखता रहा था, बताते भी रहते थे मुझे ये वो इस तरह, तो धीरे धीरे इंजॉय करने लगा मैं डांस में. हालांकि उन्होंने कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि नहीं ये नवाज की तरह थोड़ा कर देते हैं, इसको कम्प्रोमाइज़ कर देते हैं इस स्टेप में, ऐसा नहीं हुआ. जैसे उनका डांस था उसी तरीके से कुछ तो सीखे हैं, वो फिल्म में आपको पता चलेगा. निधि, आपसे है मेरा सवाल, आप दो बड़े नाम के साथ में आप पहली फिल्म करने जा रही हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दो बड़े नाम आपके साथ में पहली फिल्म में ही जुड़ रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? जैसे आपने कहा कि दो बड़े नामों के साथ में मैं काम कर रही हूँ, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत डिफिकल्ट चीज़ भी है. तो डिपेंड करता है आप कैसे लोगे, बट आई थिंक इट जस्ट मेक्स यू बेटर बिकॉज आप अपने आप को बहुत मिस करते हो इनके साथ में एक फ्रेम में खड़े होने के लिए या कुछ भी करने के लिए. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रही है और मैंने बहुत कुछ सीखा. धन्यवाद. आपका और ऋषि कपूर का जो बीच में जुबानी जंग हुआ था डांस को लेके और पेड़ों के आसपास चक्कर काटने को लेके, लेकिन अब कहानी की डिमांड है तो आपको डांस करना पड़ा. मेरा उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना मैंने उनको भी बोला. ये मीडिया में खुद बहुत कहते हैं ना कि कुछ तो होने की अनहोनी हो जाता है मीडिया में, तो वो बिल्कुल भी कोई पैसे पे की न्यूज देखो ऐसा कुछ नहीं था. कदम ताल नहीं कर सकता तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. बट थोड़ा बहुत जो भी कोशिश की, एक आध परसेंट करने की कोशिश की है मैंने, और वो भी इनके कहने पर कोशिश की, वरना मैं तो बोल नहीं करता. वो आपको फिर जब रिलीज हो तब दिख जाएगा कि कितनी कोशिश थी. हाँ, मुझे जैसे शेर को घूमने लग जाता है ना वैसा अफेक्ट किया मुझे, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मार. सर मैंने ऐसे डांस में कमाल नहीं किया है, मतलब पर ये है कि आपको सरप्राइज जरूर मिलेगा जब आप फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि एक नॉन डांसर जो बिल्कुल कम्प्लीटली जिसकी फीस माफ है डांस में, और वो आदमी जब डांस थोड़ा बहुत जो भी करेगा तो आपको थोड़ा बहुत का सरप्राइज तो होगा. जैसा टाइटल ने थोड़ी देर पहले कहा कि एक कहानी मुन्ना की जो मुंबई की सड़कों पे पला बढ़ा है और उसका एक इंस्पिरेशन रहा है माइकल जैक्सन, जैसे कि पूरी दुनिया में लोग इंस्पायर है माइकल जैक्सन से, तो
तो एक वही कनेक्शन है इस वजह से इस फिल्म का नाम मुन्ना माइकल। टाइगर मेरा एक सवाल आपसे, अरे भैया पूछ लेंगे ना दादा इधर एक सवाल था मेरा। आपकी आपके मतलब आपकी जो फादर की शुरुआत थी इंडस्ट्री में, मदर आपकी बहुत ज्यादा तब उस समय लाइट में आ चुकी थी, पर उन्होंने अपनी परिवार के लिए फिल्में छोड़ी। मेरा सवाल ये था कि आपको तराशने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, आयशा जी का रहा है या जैकी जी का रहा है? देखो करियर के मामले में मैं दोनों से ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ करियर के मामले में। पर अगर मैंने टॉक अबाउट लाइफ, अगर जिंदगी बारे में बात करें, जो चॉइसेस मैं देता हूँ जिंदगी में करियर के आउटसाइड, यू नो ऑल दोज डिसीजंस, जो भी डिसिप्लिन है मुझ पे, वो सब मम्मी की वजह से। पापा तो बहुत बिंदास रहते हैं सबके साथ, मेरे साथ भी बहुत बिंदास रहते हैं, तो वो रिश्ता अलग है। इट्स लाइक फ्रेंड्स, ब्रदर्स, ऑफ कोर्स एक इज्जत है क्योंकि पापा है। और हाँ, बट एज फार एज मेरा करियर कंसर्न है, तो आई थिंक ज्यादातर मैं, मेरा मैनेजर्स है, मैं खुद फैसला लेता हूँ। साबिर सर है जो मेरे मेंटोर है, साजिद सर है जो मेरे मेंटोर है। बस उससे भी ऊपर है, बहुत ही बढ़िया। मुझे याद है जब पहली बार मुझे मौका मिला इनके साथ परफॉर्म करने को, तो मेरी अंदर से बहुत फट रही थी, बहुत फट रही थी, क्योंकि इतना मतलब इतने सारे मतलब फिल्म्स देखी मैंने, बदलापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, और ऐसे ऐसे किरदार निभाते, मतलब वो कोई भी एक्टर को खा सकते हैं स्क्रीन पे। तो मुझे बस मेरा बेस्ट देना था और इनको लेट डाउन पुट डाउन नहीं करना था, मुझे तीन चार पांच टेक नहीं देना था, मुझे एक एक टेक में उनको अच्छा अच्छा रिएक्शन, अच्छा अच्छा फीडबैक देना था। बेसिकली आई जस्ट डिडंट वांट टू लेट हिम डाउन एनीवे। तो शुक्र है डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से तैयार किया मुझे, और आई थिंक मैं तैयार था टू फेस दैट माउंटेन, टू फेस दैट अमेजिंग टैलेंट। काम है उसको हर तरह का जॉनर एक्सप्लोर करना, हर तरह की परफॉर्मेंस करना, और क्योंकि वो चैलेंज होते हैं उसके साथ। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने इसमें डांस के लिए मेरी खुद की इंसिक्योरिटी, और मैं अपने लिए एक्टिंग करता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं लोगों को दिखाना, जिस दिन मैं शुरू कर दूंगा आई थिंक मेरी करप्शन आ जाएगा मेरी परफॉर्मेंस में। तो मेरी खुद की जर्नी है, मैं खुद डिस्कवर कर रहा हूँ अपने आप को, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हूँ मैं एक्चुअली थ्रू द कैरेक्टर्स। तो ये मेरी खुद की जर्नी है, अगर मुझे कोई चाहता है तो वो इस बिना में चाहे कि मैं कल को कुछ भी करने के लिए रेडी रहूँगा, और उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक जो जिस जॉनर में मैं हूँ शामिल अभी फिलहाल, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वन फॉर मी, क्योंकि उसमें मुझे रोमांस करने को मिलता है, उसमें मुझे एक्शन करने को मिलता है, उसमें मुझे डांस करने को मिलता है। तो आपको ऐसे ऐसे किरदार में से आपको हर रस मिलने वाला है, तो यू नो इट जस्ट ओपन्स मी अप। बिल्कुल, मैं इंस्पायर होता जब भी नवाज जी मेरे सामने परफॉर्म करते, मैं इंस्पायर हो जाता। और आई थिंक सिर्फ मैं नहीं पर मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट लाइक मी, यू नो स्टिल न्यू, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन लिया मैंने और बहुत कुछ सीखी हूँ मैंने उनसे। दूर दूर से हमेशा ऑब्जर्व करता था उनको, शॉट देते हुए, शॉट देने से पहले उनके थॉट प्रोसेस है, जिस तरह वो डायलॉग इतनी आसानी से बोलते, वो इज देयर सो मच आई कैन से अबाउट नवाज। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, वो ठीक नहीं, मेरी शक्ल भी ऐसी है। यस मैम, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू।
लेकिन मुश्किल तो शुरुआत में थोड़ा बहुत था क्योंकि यू नो दिस इज समथिंग कंप्लीटली न्यू फॉर नवाज जी. पर कमाल की बात यह है कि ही इज स्टिल यू नो इवन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग सो मच यू नो एज अ स्टार एज एन एक्टर अभी भी ही वर्क्स सो हार्ड हर चीज के पीछे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत डिटेल में घुसते हैं हर चीज को लेकर. सो यू नो दिस वॉज जस्ट अनदर चैलेंज फॉर हिम एंड अनदर रोल फॉर हिम टू गेट इन टू एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन व्हिच ही डन ब्रिलियंटली. Okay, this is the last question. Thank you so much, ladies and gentlemen. I would like to invite Mr. Dinesh Mange from Mercedes-Benz to felicitate the stardust of Munna Michael. Please, big round of applause. Thank you so much. This is Ajay Nehru signing off on the behalf of Eros and the stardust of Munna Michael.